महिला रेसलर के समर्थन में आज सोनीपत में सर्वखाप महापंचायत। देश भर के किसान संगठन और महिला संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। घर में पूछताछ के सवाल पर बोले ब्रजभूषण सिंह, मेरे पास कोई नहीं आया, मैं घर में सो रहा था। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान विनेश फोगाट, बोली अरेस्टिंग से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पुलिस पहलवानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बजरंग पुनिया का बयान। महाराष्ट्र में औरंगजेब के बाद टीपू सुल्तान पर विवाद, धुले में टीपू सुल्तान का स्मारक हटाया गया। धुले में चौक पर बना था टीपू सुल्तान का स्मारक, हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद हटाया, चबूतरा भी तोड़ा गया। कोल्हापुर हिंसा के पीछे सीएम एकनाथ शिंदे ने जताई साजिश की आशंका, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को बदनाम करने की कोशिश। सीएम शिंदे ने लगाया आरोप, औरंगजेब और टीपू के पोस्टर और नारेबाजी के जरिए साजिश को दिया जा रहा है अंजाम। भड़की हिंसा का पता लगाने के लिए कोल्हापुर पुलिस ले रही है आईबी की मदद, आपत्तिजनक वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। जुमे की नमाज के बाद कोल्हापुर मस्जिद से ऐलान, मुसलमान सब्र दिखाएं, कुछ बच्चों की वजह से हुई परेशानी। मुस्लिम धर्म गुरुओं की माता पिता से अपील, नाबालिग बच्चों को ना दें मोबाइल, सोशल मीडिया पर स्टेटस ना डालें। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने की इस्तीफे की पेशकश, कहा कुछ नेता कर रहे बीजेपी शिवसेना गठबंधन को तोड़ने की कोशिश, मुझे पद की लालसा नहीं। संजीव जीवा मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज, हरिद्वार जेल में गैंगस्टर सुनील राठी से पूछताछ, हत्या के आरोपी विजय को मुहैया कराए थे हथियार। लखनऊ कोर्ट शूट आउट के आरोपी विजय यादव की रिमांड मांगेगी पुलिस, अदालत में आज दाखिल करेगी एप्लीकेशन। गैंगस्टर संजीव जीवा मर्डर के आरोपी विजय यादव से पूछताछ में कई बड़े खुलासे, नेपाल में रची गई थी हत्या की साजिश। सूत्रों के मुताबिक विजय ने बताया वर्चस्व की लड़ाई में हुई संजीव जीवा की हत्या, लखनऊ जेल में संजीव की एक मुस्लिम कैदी के साथ भी हुई थी लड़ाई। विजय यादव ने बताया संजीव की हत्या की डील काठमांडू में फाइनल हुई, 20 लाख रुपए का ऑफर था, एडवांस में 5,000 रुपए दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक विजय यादव ने बताया वो बस से आया था लखनऊ, एक शख्स ने उसे कोर्ट का रास्ता और जीवा को दिखाया, जिसके बाद उसने हत्या की। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या मामले में यूपी पुलिस एक्शन में कोर्ट में हत्या के सीन को रिक्रिएट किया गया। पुलिस एक शख्स को ठीक वैसे ही कोर्ट में लेकर आई जैसे जीवा को जेल में लाया गया था, फिर डमी पर पूरी घटना को रिक्रिएट किया गया। जीवा मर्डर पर बोले डेप्यूटी सीएम बृजेश पाठक, मामले में होगा कड़ा एक्शन, प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद। जीवा हत्याकांड पर रामगोपाल यादव का सरकार पर निशाना, कहा कानून व्यवस्था खराब, राज्य में लोगों पर अत्याचार करने वाले असुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, थोड़ी देर में पाटन में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर जनसभा करेंगे। अमित शाह आज शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराएंगे। गृहमंत्री सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, जनसभा में औरंगजेब के मुद्दे पर विपक्ष को दे सकते हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को बताया भारत का सपूत, कहा अगर गांधी जी का कातिल था तब भी तो वो भारत का सपूत था, वो भारत में जन्मा था। गिरिराज सिंह ने कहा गोडसे औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रमणकारी नहीं था, जो खुद को बाबर की संतान कहते हैं वो खुश होते हैं, वो भारत माता के सपूत नहीं हो सकते। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गवर्नर को पत्र लिखा, निष्पक्ष चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्सेस लगाने का आग्रह किया। कांग्रेस का टीएमसी पर आरोप, कहा मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को प्रशासन का संरक्षण करेंगे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, पंचायत चुनाव को लेकर करेंगे मुलाकात। खारग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या का मामला, टीएमसी सांसद सौगत रॉय बोले दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से मिले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्य के हालात पर दोनों के बीच चर्चा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, स्थिर सरकार के लिए किया था गठबंधन, नहीं थी कोई मजबूरी। सरकार के 9 साल पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा मिडिल क्लास के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार काम किया। इंदौर में चलती बस में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में फ्लाइट टिकट और वीजा पर छूट के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, अब तक 40 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। रांची में छात्र संघ की 2 दिनों की हड़ताल, झारखंड सरकार नई भर्ती नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम किए गए। क्रिएटर्स को एड के लिए पैसा देगा ट्विटर, एलन मस्क बोले कुल $5 मिलियन का होगा पेमेंट, वेरीफाइड क्रिएटर्स को फायदा। ग्रेटर नोएडा में होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो, 21 से 25 सितंबर के बीच होगा आयोजन, दुनिया भर से आएंगे गेस्ट। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव। बिपरजॉय को लेकर वलसाड़ में मछुआरों को दी गई चेतावनी, तीथल बीच 14 जून तक बंद, आसपास के लोगों को गांव से शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के 3 मंदिरों के लिए महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े का ऐलान, मॉडर्न कपड़ों में नहीं मिलेगी एंट्री। हरिद्वार के तक्षेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ मंदिर के लिए ऐलान, देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी नियम लागू। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स ने की हेलीकॉप्टर की सवारी, पिछड़ी जनजाति के 89 बच्चों ने रायपुर में हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान।
पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, दुनिया के सबसे महंगे आमों में शामिल मियाजा की का भी प्रदर्शन। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, किया विशेष हवन अनुष्ठान, गर्भगृह के बाहर टेका मत्था। मंदसौर की कथा में बोले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, अपने घरों के बाहर लगाओ धर्म ध्वज हिंदू राष्ट्र के लिए लाओ जागृति। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को बनाना है हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं, दिलों में चाहिए हिंदू राष्ट्र। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड, कुल 374 कैडेट्स हुए पास, आर्मी के चीफ ने ली सलामी। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माई गॉड 2 11 अगस्त को हुई रिलीज, यामी गौतम निभाएंगी अहम किरदार।